जी हाँ, रोमिल चौधरी हो सकते हैं इस सीजन के विनर। रोमिल इस शो के लिए, जीत के लिए कुछ भी कर जाएंगे, ये तो आ जाने वाले शो में साबित हो जाएगा। दरअसल एक इम्यूनिटी टास्क दिया जाएगा घर वालों को, जिसमें घर वालों को 1 लाख से 5 लाख के बीच में एक रकम बिड करनी होगी। जो भी हाईएस्ट रकम बिड करेगा वो इम्यूनिटी जीत जाएगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि वो रकम अमाउंट में से कैंसल हो जाएगी। जैसे अगर किसी घर वाले ने 1 लाख रुपए की बोली लगाई है और वो 1 लाख उस अमाउंट में सबसे ज्यादा है, तो जीतने वाले की रकम में से 1 लाख कम हो जाएंगे, जिसमें रोमिल ने 5 के 5 लाख रुपए की बोली लगा दी। जी हाँ, रोमिल ने 5 लाख की बोली लगा कर इम्यूनिटी हासिल कर ली। वो 5 लाख जो रोमिल की वजह से चले गए, वो किसी के भी हो सकते हैं, दीपिका के, श्रीशांत के, या फिर खुद रोमिल के, या करणवीर बोरा के। लेकिन रोमिल ने 5 लाख गवा कर खुद को सेव कर लिया, जीत ली इम्यूनिटी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सलमान जिस तरीके से दीपिका को टारगेट करते हैं, उससे ये तो साफ है कि दीपिका शो नहीं जीतने वाली है। श्रीशांत की हरकतें भी ये साफ जाहिर करती हैं कि अगर श्रीशांत को विनर बनाया गया तो बिग बॉस को बायस्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। करणवीर बोरा की बात करें तो उन्होंने अभी अभी अपने लिए खेलना शुरू किया है। इससे पहले वो दीपिका और श्री के इशारों पर ही नाचा करते थे। वहीं सुरभि भी कुछ ज्यादा ही मुंहफट है और वो कई बार बहुत ज्यादा गंदा बोल जाती हैं। दीपक ठाकुर प्लेयर तो हैं, लेकिन दीपक भी डर्टी गेम्स खेलते हैं, ये हर कोई जानता है। बात करें रोमिल की तो रोमिल बहुत स्मार्टली गेम खेल रहे हैं, ना अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं और ना ही किसी भी टास्क में बेस्ट परफॉर्मर होने का खिताब जाने देते हैं। लिहाजा रोमिल इस शो को आसानी से जीत सकते हैं। दीपिका कक्कड़, श्रीशांत, करणवीर इन सबको कड़ी टक्कर दे सकते हैं। वहीं सलमान खान भी रोमिल की तारीफें अक्सर ही करते हैं, इसीलिए कहा जा सकता है कि रोमिल इस सीजन के विनर हो सकते हैं। फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क।